हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट जॉब्स जो जनवरी 2023 में अभी आई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम का वीडियो है आप सभी के लिए। इसमें जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है वैकेंसी, जो बीटेक या बीई करके आए हैं उनके लिए भी काम का वीडियो है, या जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वह है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो आई है इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट IA। इसकी स्टार्ट जो डेट है, अप्लाई कर सकते हैं, 27 जनवरी से स्टार्ट होगा ये, और लास्ट डेट है 25 फरवरी 2023। इसका एग्ज़ाम जुलाई में प्रपोज्ड है। जो फीस है इसकी वो है जनरल और OBC के लिए 450 रुपये, SC और ST के लिए 250 रुपये। ठीक है, मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 2415। अच्छी खासी पोस्ट है इसमें, 2415 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है BE या BTEC मांगा है और या फिर डिप्लोमा मांगा है। अब इसमें BE और BTEC में कौन सी ब्रांच मांगी है या डिप्लोमा कौन सी ब्रांच मांगी है, उसके लिए आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, जिसमें आपको बाकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी पोस्ट आई है LIC कंपनी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO की पोस्ट है। इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 31 जनवरी है। अभी लगभग 10-12 दिन बचे हुए हैं और जो इसका प्रपोज्ड प्री एग्ज़ाम होगा वो 17 और 20 फरवरी को संभावित है, और मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 18 मार्च को संभावित है। ठीक है, इसमें जो फीस है वो जनरल और OBC के लिए 700 रुपये है, SC और ST के लिए 85 रुपये है। ठीक है, मिनिमम एज इसमें 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल। टोटल वैकेंसीज जो हैं AAO के लिए वो है 300। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के हो आप, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो इसकी वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और पूरा थ्रू आउट पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल NWR रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन। ठीक है, इसमें अप्रेंटिस की पोस्ट आई है जिसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 2026 वैकेंसीज़ हैं। इसको 10 जनवरी से अप्लाई करना स्टार्ट किया जा चुका है, लास्ट डेट इसकी है 10 फरवरी की। ठीक है, जो फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये है और SC ST और फीमेल्स ऑल कैटेगरी, ठीक है, फीमेल्स ऑल कैटेगरी की फ़ीस 0 है और SC ST की भी फीस जो है वो 0 है। ठीक है, मिनिमम एज इसमें 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें 10th मांगा है विथ 50% और ITI, आपका ITI होना ज़रूरी है इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है NHPC लिमिटेड कंपनी में, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की कंपनी है ये। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है ट्रेनी इंजीनियर या फिर ट्रेनी ऑफिसर। और जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना, लास्ट डेट है 25 जनवरी, तो बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों इसमें। ठीक है, मुश्किल से 1 हफ्ते बचे हैं। फीस जो है जनरल और OBC की वो 295 रुपये है और SC ST के लिए 0 है। राइट, मिनिमम एज इसमें कोई दी नहीं हुई है, मैक्सिमम एज इसमें 30 साल तक की दी हुई है। टोटल वैकेंसीज है 401, अच्छी खासी पोस्ट आई है, 401 वैकेंसीज NHPC में। क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा है वो है BE BTEC
या फिर आप अगर गेट क्वालिफाइड हैं तो वो है, ठीक है, गेट क्वालिफाइड, या आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, ठीक है, यूजीसी नेट भी चाहिए इसमें। और अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या फिर आपने लॉ कर रखा है, मीन्स LLB कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर NHPC में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला सेशन, अभी और वीडियोस बनाऊंगा मैं जॉब्स पर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।